Thank <laughs> मोस्ट खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं एक खान है डायरेक्टर जनरल ऑफ़ पाकिस्तान नेशनल शी इज़ यू विजिटेड ओवर फिफ्टी ओवर द वर्ल्ड शी इज़ इन दुबई शी इज़ वर्कड इन द यू के इन्होंने पूरी दुनिया डिफरेंट कोर्सेज़ किए हुए हैं तालीम हासिल की हुई है और अब Uh, you know, she's working with the government as as uh, the director general of Pakistan National Accreditation Council. Uh, ismat uh, Gul. Khattak Chatak. Ma'am, how you? Thank you. I'm fine. Thank you for that Thank you so much. you joined us Thank you. Thank you for having me here. Achha, mein, I'm, I want to start the conversation uh, with sort of trying to understand that. Um, क्योंकि जब मैं आपसे पहली दफा मिला ना अभी जब आप आई थी तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ कि मैंने कहा वूमन एट हुकॉम्पलिश्ड साथ आप uh, पख्तून बैकग्राउंड से हैं जनरली आपको ये सुनने को मिलता होगा कि यू you नो know, uh, ये बहुत बिग डील है या इज़ इट वेरी नॉर्मल फॉर यू टू टू बी एबल टू हैव अचीव सो मच एक्चुअली फॉर मी इट्स वेरी नॉर्मल बिकॉज आई वॉज ब्रॉटअप इन अ फैमिली विच इज़ very, वेरी एजुकेटेड एंड माई फ़ादर इट the credit goes to my father and mother. वो मेरे लिए तो कोई कोई शॉकिंग uh, चीज़ नहीं है कि मैं डायरेक्टर जनरल बन गई या मैंने बाहर पढ़ा या मैंने ये किया बट बाकी लोगों के लिए समटाइम्स इट बिकम्स बिट ऑफ यू नो कि अच्छा आ, वो आईब्रोज रेस करते हैं कि अच्छा तो कैसे होता है यू नो बींगी बाई चांस मेरे साथ नीचे सारे मैनी मैने तो ये ही सिर्फ खातून बिचारी है तो मेरे साथ तो हमारा तो पूरा ऑफिस ही भरा हुआ है आदमियों से सो यू नो बीइंग ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सच एन ऑफिस समटाइम्स सम्स चैलेंजिंग बट यू नो आई एम वेरी फ्रेंडली विद ऑल सो आई थिंक इट्स नॉट अ बिग चैलेंज फॉर देम एज वेल सो यू अप इन पाकिस्तान येस आई ग्रो अप इन पाकिस्तान आई स्टडीड इन बर्न हॉल अब्टाबाद देन आई वेंट टू बिशार यूनिवर्सिटी दैन आई वेंट टू आई जॉइंट जॉब दैन आई स्कॉलरशिप टू ऑस्ट्रेलियार्स 1999, I went to Australia. Right. Yes, you weren't born then. <laughs> no, no, I was born in 1990. <laughs> 1999, I was there. Um, then in uh, Australia, when I finished my uh, master's, I applied for a job in UK. I was Achha. working here with the government, by the way, I was working with EPA. But I applied for a job ke liye apply ke और मैंने जो वो उसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिखा था तो मैंने जब लिखा तो मैंने अपने प्रोफेसर को वैसी दिखा दिया अच्छा। मैंने कहा कि पीट पीटर ही नाम था उसका मैंने कहा पीट हाउ डू यू सी दिस यू नो और कैन यू गिव मी योर कमेंट तो उसने पढ़ के मुझे आया मुझे कहता है इसमत इफ़ आई एम द वन हु इज सेलेक्टिंग पीपल यू आर सेलेक्टेड और Uske baad I got this email that, you know, we've selected you. So then I got a job in the Foreign and Commonwealth Office in London. Mein, mujhe job thi. Achha, and what did you do in your master's? Cheez mein tha? Environmental management. And the, the, the position that you had was a government position. And you were a Pakistani at the time. Like I the was UK a Pakistani in, uh, working in park EPA. And I applied for the scholarship. I went on scholarship. But from there, I thought I should resign from the government and explore a bit in other places. Right. तो मुझे वहाँ पर जॉब मिल गई वो right. वहाँ पर मैंने जॉब तो शुरू कर ली और पहले ही दिन जब उनको पता चला कि मैं तो पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहती हूँ तो उन्होंने मुझे बुला के मुझे ब्रीफिंग दी कि किस्मत नॉर्मली फ़ॉरन ऑफिस इज़ नॉट मेड फॉर फॉरेनर्स। वी थॉट यू वर ऑस्ट्रेलियन हमने नैसनेलिटी <laughs> चेक नहीं की थी तो कॉमनवेल्थ में के हिसाब से वी कोड अकॉम मगर पाकिस्तानी यू नो आजकल हमारे लिए थोड़े से ब्ला, ब्ला, ब्ला ये है <laughs> तो हमें थोड़ा सा वो होगा बट वी होप एंड आई होप क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बड़ा स्टैंड लिया है कि डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर सकते बींग ऑन नेशनलिटी, तो यू वुड नॉट डिसअपॉइंट मी मैंने कहा आई वुड नेवर डिसअपॉइंट यू और मेरा जितना भी काम था इट वॉज ओनली टेकिंग केयर ऑफ

तो वो फिर बड़े हालात ऐसे हो गए तो मेरा एक कॉलीग था उसने मुझे कहा कि मैं मैंने मुझे शो, शोर शुरू कर दिया कि आई वॉन्ट टू गो बैक टू पाकिस्तान तो उन्होंने बोला कि नहीं यूँ करते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को मंगवा लेते हैं और ये टाइम है लोग ऐसे मौक़ों पे अक्सर पूरी पूरी फैमिलीज़ मंगवा लेते हैं तो वी वे लास्ट हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान और सबको वीज़ा दे देंगे यू ऑल शिफ्ट टू ब्रिंग यू ऑल योर फैमिली हेयर अच्छा तो मुझे क्या पता था मैंने आउट ऑफ इनोसेंस अपने फादर से कहा कि यू you नो know, uh, मेरी तो जॉब है आप लोग सारे आ जाए इमिग्रेशन हो जाएगी तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हालात ठीक होंगे तो वापस चले जाएंगे माय फादर मेक मेड फन ऑफ मी कि क्या हम अपने मुल्क छोड़ेंगे क्राइसिस में <laughs> नहीं जी यू शुड ऑल्सो रिजाइन एंड कम बैक so then after a couple of months i resigned and i came back to pakistan because they were not coming to america so the entire family let go of the immigration yes yes I bi a canada kabi hua which i didn't go i even had a job that's an interesting story

Right. तो होता है वो तो ना वो सिर्फ कागज़ों वाला काम नहीं नॉट दैट यू एन इज़ नॉट डूइंग लाइक दैट बट यू नो मेरा अपना टेम्परामेंट थोड़ा डिफरेंट था सो आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग दैट आई हैड स्टडीड इन ऑस्ट्रेलिया आई थॉट आई शुड अप्लाई दैट वो इन इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग एंड असेसमेंट्स और इस तरह की सो so मुझे किसी ने बताया यहाँ एक इदारा बना है नया नया उसमें भी लोग भी नहीं हैं बट दे आर हायरिंग सो वाई डोंट यू विजिट इट पी नैक ये पाकिस्तान नेशनल एक्रिटेशन काउंसिल सो मैंने वहाँ से विज़िट किया एक आध बंदा बैठा हुआ था तो मैंने अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई वो बचास वो प्रॉपर गवर्नमेंट में तो आपको थ्रू टेस्ट एंड इंटरव्यू सारा जाना होता है बट इट टुक अ शॉर्ट वाइल तीन चार महीने पाँच महीने जितना भी था बट आई गॉट सेलेक्टेड तो उसके बाद से दिन आई वाज वर्किंग विद पाकिस्तान नेशनल एक काउंसिल इनिशियली एज डिप्टी डायरेक्टर आई गॉट प्रमोटेड एज डायरेक्टर फिर मैंने इस दौरान आई एम ऑलवेज मूविंग अराउंड आई डोंट नो व्हाई मैंने कनाडा किसी जमाने में अप्लाई किया था वो बाय अच्छा। चांस में चोर हो गया वो सब फ्रेंड्स ने किया था तो मैंने वैसे ही किया आई डेंट हैव द इंटेंशन ऑफ गोइंग टू कैनेडा क्योंकि माई कॉन्ट लीव माई फैमिली आई न्यू दैट तो मैं आ, आ, सब फ्रेंड्स ने किया किसी का भी नहीं हुआ सिर्फ अच्छा। मेरा हो गया अच्छा जब मेरा हो गया तो मेरे लिए अब ये क्वेश्चन मार्क था कि मैं क्या करूंगी शुड आई गो और शुड आई नॉट फिर मैंने बोला कि अगर मुझे कैनेडा की एक रेटेशन बॉडी में मेरे पोजीशन की जॉब मिलती है ओनली देन आई गो अदरवाइज नॉट एंड गेस व्हाट यू गॉट द जॉब आई अ जॉब आल्सो सीनियर प्रोग्राम मैनेजर विद स्टैंडर्ड्स काउंसिल आई इवन अ कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मैंने बैग्स भी पैक कर लिए क्योंकि कैनेडा इज अ वेरी कोल्ड कंट्री तो मैंने अपने लिए गर्म मुल्कों वाली चीजें भी कुछ बेसिक पैक की बिकॉज आई हैड टू ऑन द सेवंथ ऑफ अप्रैल राइट मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया फर्स्ट अप्रैल को मेरी पी की फ्लाइट भी मैंने बुक कर दी ऑटवा में जॉब थी मैंने ऑटवा में मैरियट में सात आठ दिन की बुकिंग भी करा ली इनिशियली वो मैरियट उधर करीब था इसलिए और उधर इतना महंगा भी नहीं था तो मैंने करा ली और मैंने कहा कि मैं फिर वो कॉलीग से पूछ लूंगी और एक हफ्ते के दौरान उन्होंने बोला भी था हम आपको सेटल करा देंगे कोई ऐसे इशू नहीं है एंड मैं मेरा इमिग्रेशन भी हो रहा था और वहाँ की वो गवर्नमेंट की जॉब थी सो ए ऑल वॉज गोइंग वेरी वेल अंटिल आई वेंट टू दुबई इन दिस ड्यूरिंग दिस टाइम वो जनवरी मार्च में दुबई वालों ने मेरे एक्स बॉस को बोला कि हमें कोई बंदा ट्रेनिंग के लिए भिजवा दो Achha. अच्छा सा बंदा जो हमारे लोगों को ट्रेन करे तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक ही है शी इज़ गोइंग टू कैनेडा तो मैं उसको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ ही आस्ट मी के कैन यू स्पेयर समटाइम मैंने कहा जी मेरे पास तो टाइम नहीं आए आई एम जस्ट रशिंग डूइंग थिंग्स उन्होंने कहा कि खैर इट्स एक हफ्ते की बात है सो आई वेंट वहाँ गई जब उनको पता चला तो ऑफर्ड मी अ जॉब अच्छा आई आई सेड नो नो डोंट वांट टू टू कम मेरा माइंड सेट हमारे गाँव के जितने भी ड्राइवर्स होते हैं मजदूर होते हैं वो दुबई चलते हैं और दुबई के बारे में हमारे घर में एक जोक भी है कि भाई हर मज़दूरी वाला दुबई वाला होता है आई डेंट नो ऑनेस्टली मोर देन दैट मई ट्रेवल्ड अलॉट टू दुबई बट मैंने कभी जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचा था तो मैं um, I tell you that um maine kaha keneji maine karungi kehte unko badi I, no, no, I refuse Manika, no actually i've got a job in canada we we know that The so maine oh, um, and uh, you know canada is not my kind of place I se bola I but i thought it wasn't mine so i'm sometimes very

इफ़ आई डोंट रिसीव एनी थिंग फ्राम यू विद इन अ वीक और सो आई विल बी गॉन मैं घर आ गई बैग्स वैग्स मेरे पैक थे सारे अबू से मेरे अबू की तबीयत ठीक नहीं थी अच्छा. तो आई वॉज वारेड फॉर हिम हमारे नौकर ने भी बोला कि भाजी आप क्यों जा रही हैं साहब आपको नज़र नहीं आते इतने कमज़ोर हो गए हैं और वो एक हफ्ते में मुझे ज़्यादा क्योंकि वेन यू लिव टुगेदर यू डोंट रियलाइज इट कि वो बंदा right. कमज़ोर हो रहा है तो वो थोड़ी ही वॉज नॉट वेल सो आई स्टार्टड थिंकिंग

तो इसमें तो आई डोंट रिम्बर डूइंग मैनी थिंग्स बट आई जस्ट ऐसे किया कि बस करना है तो चलो ये करीब है मेरा तो अभी तक वैसे सारी दुनिया अलहमदुल्लह घूम गई हूँ अभी कौन <laughs> रिजेक्ट करे भी तो कर ले कौन रिजेक्ट करेगा अभी तक तो किसी ने नहीं किया सो आई थॉट लेट मी गो तो मैं दुबई कैन दुबई गई एंड आई थिंक दैट वाज अ गुड डिसीजन Right. They respected me a lot and I contributed a lot to the government of Dubai. So, what did you do exactly over there? I was working with their government. It was government job. It was a story. Thi. Wo I actually developed their accreditation body Achha. from scratch to the level what is it now. And I seven working with the एंड आई डेड कॉन्ट्रीब्यूट अलॉट जितना मैंने सीखा था जितनी कंट्री मैंने कोई ट्वेल्व एकटेशन बॉडीज़ को स्टडी करके विज़िट किया था यू एस की चार कैनेडा यूरोपियन कंट्रीज़ की जितनी भी मैंने की थी वो सारा नॉलेज पहले मैंने पाकिस्तान में लगाया था और उसके बाद मैंने कैनेडा में लगाया दुबई में, में लगाया लगा तो मैंने बहुत अच्छा उनका सिस्टम बनाया लोगों को ट्रेन किया सिस्टम्स जब चल पड़ा तो फिर मेरे जहन में आया गया वापस पाकिस्तान जाना चाहिए तो ये पोस्ट आ गई तो मैं आई हुई थी ईद पर इन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया मैंने अप्लाई किया था ऑनलाइन तो इंटरव्यू के लिए बुलाया अगर मैं पाकिस्तान ना ही होती तो मैं शायद आती भी ना कि भई पता नहीं मेरिट पे होगा कि नहीं होगा hmm. तो बल्कि जब मैं आई तो वो दो तीन बंदे एक दूसरे को बड़ी मुबारकबादें दे रहे थे मैंने कहा ये मैं वैसे ही टाइम वेस्ट करते हैं दे एक कह रहे हैं फलाने साहब आपका हो जाएगा दूसरे कह रहे हैं आपका हो जाएगा तो मैंने उनसे पूछा भी मैंने कहा ये कोई कॉस्मेटिक इंटरव्यू है या <laughs> रियल है कहते हैं नहीं जी आप बैठे ये रियल इंटरव्यू है कोई सिफारिश नहीं है मैंने कहा क्योंकि मैंने तो फिर टाइम नहीं वेस्ट करना आई वुड गो एंड स्पेंड द टाइम विद माई मदर राइट तो वह खैर and I got selected. so when right. I resigned from there wo the, you are maybe the first Pakistani job the ki government job se resign they were all uh, very um, they wanted me to stay uh, but then I had made up my mind to come back to Pakistan and serve for my uh, serve my country and do something good for my country and, and, and this is what year this was uh, January 2015 right So I came here on a contract of three years. Contract got expired in 2018. And then I went back to 50% of my time with Dubai. Because I had a gap I had resigned from the government, so there was no continuity. So in two and a half arrangement was I was working like 50% of my time for Dubai, either here or on, uh, in Dubai. So I every 15, 20 दिन गुजार के वापस आती थी अच्छा सेम सेम एवरी जॉब सेम पोजीशन एवरीथिंग सेम बट मैं पाकिस्तान में भी थी और वहाँ भी थी पैकेज right. भी सेम था एवरीथिंग वाज़ द सेम सिर्फ मेरे पास यहाँ टाइम गुजारने का बड़ा इंटरेस्टिंग अरेंजमेंट था मेरा बड़ा ही अच्छा एंड दे वर वेरी अकोमोडेटिंग दे अंडरस्टूड प्रॉब्लम मेरी अम्मी बूढ़ी हैं शी खान सो आई कॉन्ट लिव विदाउट हर सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ हर राइट And obviously you had that the, the utility to offer as well, so that's why they Exactly they yeah. knew. Um and 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 right now you're not working anymore, obviously. No, you, I'm you, working with the um, the government now, back. Back as director general. Right. Achha. Or yap full time start we per se. Full time sixth August two thousand twenty, says start we. So fifth August I was on the payroll of UAE government. Achha, 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 achha. Achha. So that's that's your life's journey. I I, I also saw that you have mentioned that you have visited 50 countries. Aapne visit hai. <laughs> <laughs> Was that for professional arrangements or uh? mostly? I would say 99.9% .9 for professional arrangements. Okay, <clears throat> uh, uh, On uh, one at a time, such a lucky guy goes. But meetings etc. For meetings, meetings also were Trainings also were there. And mostly, either trainings or meetings. On-job trainings were there. Whatever trainings were there, one-on-one, one-on-one, were there. और ग्रुप ट्रेनिंग्स भी थी और मीटिंग्स भी काफ़ी ज्यादा थी और फिर कई नेबरिंग कंट्री में वैसी सैर के लिए चले जाना तो राइट right, वो तो वो फिर कर लिए हाँ, वो कर कर लिए है। तो इस तरह के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप लोग बड़ा क्लोजली काम करते हैं क्या वो है थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि इस पूरी स्पेस आ, के पीछे थॉट क्या है जिस तरह आपने कहा कि आपने दुबई का पूरा सेटअप किया तो वट इज एक्रेडिटेशन का मतलब है ठीक है? ठीक है जी अरबी में इसका मतलब ट्रांसलेशन जो है वो एतमाद है यानी ट्रस्ट यानी अगर पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट हो के किसी भी मुल्क जाए उस कंट्री को ये ट्रस्ट हो कि ये प्रोडक्ट उनके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है ये ट्रस्ट अब उनको कौन देगा उसके लिए हर मुल्क में एक एक्रेडिटेशन बॉडी होती है राइट right. और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की होती है वो जो गवर्नमेंट की हो, है। हो सकती है हाँ जी ज्यादातर <coughs> करोना नहीं है <laughs> 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 हर तो वो पीएनएसी का रोल ये मैंडेट गवर्नमेंट ने पीएनएसी को दिया पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल और डब्ल्यूटीओ टी दो एग्रीमेंट्स हैं एक टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और एक है सैनिटरी एंड फाइट्रोसनेटरी मेजर्स वो दूसरा वाला जो है वो तो प्लांट्स और एनिमल्स से रिलेटेड है और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड का मतलब है कि कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है तो हर मुल्क कोशिश करता है कि अपनी इकोनमी को किसी तरीके से डिफेंड करे प्रोटेक्ट right. करे अगेंस्ट सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट राइट अब अगर आप देख लें तो एक मुल्क है वो एक दस किस्म के ग्लास बनाते हैं hmm. बहुत हाई क्वालिटी भी और एक्सट्रीमली लो क्वालिटी भी ये उस मुल्क के कंडीशन और उसके स्टैंडर्ड के लिए बनाते हैं कंडीशन तो नहीं स्टैंडर्ड के लिए अब अमेरिका के लिए अगर वो बना रहा है तो वो बहुत हाई क्वालिटी है क्योंकि वहाँ की कंडीशन वहाँ के स्टैंडर्ड और हैं किसी गरीब मुल्क के लिए बना रहा है अफ्रीकन कंट्री के लिए तो वो बहुत ही और तरह का होगा ये सारी चीज़ें ये स्टैंडर्ड्स को चेक करना ये एक्रेडिटेशन है और अगर मैं आपको और भी आसान करके बता दूँ तो वो यह है कि दुनिया का जितना भी ट्रेड होता है अभी रिसेंटली मैंने ओ की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी उसमें था कि फोर ट्रिलियन डॉलर्स का चंद साल पहले की बात है का ट्रेड जो है वो किसी न किसी तरीके से एक्रेडिटेशन से लिंक्ड है दुनिया अच्छा। का ये बहुत बड़ा उसमें वॉल्यूम है इसमें हमारा क्या शेयर है कुछ भी नहीं है जब मैं ये रिपोर्टें देखती हूँ फिर मैं चाहती हूँ कि मैं किसी तरीके से पाकिस्तान को उस तरह ले जाऊँ ये यू में आज जो सिस्टम्स हो रहे हैं कि आपका जो भी प्रोडक्ट है आप वहाँ पर कोई गलत चीज़ ले जा के तो देखे नहीं छोड़ते hmm. मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो और मैंने काफ़ी हद तक कोशिश भी कर ली है यहाँ तक कि अलहमदल्ला मैं मिनिस्टर साहब हमारे फौद चौधरी साहब एक ज़बरदस्त इंसान है आप जितना इनको जानेंगे उतना आपको पता चलेगा कि ये बंदा कितना जल्दी सीखता है विद ल लॉ बैकग्राउंड ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन एक्टेशन अच्छा मैं हैरान हो जाती हूँ वेन आई टॉक टू हिम उनको और इतने इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं उनके पास और जो भी मैंने उनको अगर सजेस्ट किया है तो शायद ही कि ये जो बातें मैंने इनको सजेस्ट की मैंने पिछली गवर्नमेंट को भी की थी उन्होंने तो उसको पलटा भी नहीं कि हम दुबई में ये करते थे ये करते थे यूरोप की तरह यह इस तरह इस तरह जब इनको मैंने आइडिया दिया Honestly स्पीकिंग उन्होंने बोला ब्रिंग अप a प्रपोजल अच्छा मैं भी सोच ही रही थी कि हम करेंगे ये को पुराने गवर्नमेंट की तरह काम होगी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से टाइम लिया कि चले जी उनको प्रजेंटेशन देते हैं अच्छा तो हम चले गए जी इमरान खान सा अच्छा टू माई सरप्राइज उनका जो नॉलेज था मैं हैरान ये मैं कहाँ आ गई हूँ जी वो तो उन्होंने तो मुझे ज़बरदस्त मिसाल दे दी प्राइम मिनिस्टर ने कि पाकिस्तानी कौम बड़ी क्वालिटी कॉन्शस है अभी सोच रही थी कि पाकिस्तानियों में क्वालिटी <laughs> आ गए कहते हैं देखो की दाल में क्या खूबी थी उसकी क्वालिटी थी ना देसी घी था कुछ चीजें थी, थी हर कोई जाता था फिर कहने लगे अपने वो डिफरेंट मिनिस्टर्स को पता नहीं अभी कैसी है वो क्वालिटी मगर जब <laughs> तो मुझे उससे आइडिया हुआ कि ये देखें हम लोग वाकई क्वालिटी कोशिश तो है लेकिन तो वो आ, वहाँ से भी हो गया अब इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट और मुझे बड़ा अब तो मैंने एक बिजनेस प्लान बनाना शुरू किया है बहुत चैलेंजिंग पता नहीं उसका क्या होगा लोग मेरे साथ क्या करेंगे बट आई एम गोइंग टू सेल्फ सस्टेनेबल एक्रिटेशन कि हम गवर्नमेंट से एक पैसा भी नहीं लेंगे विद इन सिक्स टू सेवन ईयर्स वी कैन भी इंड उससे पहले भी हो सकते हैं मगर वो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रही तो मैं सिक्स मैंने कैलकुलेशन uh, कर रही हैं कर लिए है सारी अपनी अकाउंट्स uh, की मेरा अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है इसलिए मैंने जब जो, जो मैं करती हूँ फिर वो एक्सेल शीट्स में अपने <laughs> अकाउंट्स के लोगों को दे देती हूँ आप लोग इसको देखो इसमें ये गलतियाँ निकालो सिर्फ यस यस नहीं करना अभी आज भी मैंने उनको बोला इसमें गलतियाँ निकालें कि क्या इसमें कमी है तो फिर वो जो इनपुट उनका आएगा कल मुझे आज मैंने उनको दी अब कल वो मुझे दोबारा देंगे आज तो बाहर कुछ उसमें गड़बड़ नहीं थी मगर डेफिनेटली कोई चीज़ें ऐसी होंगी जो मुझे इंप्रूवमेंट के लिए देंगे फिर मैं एक प्रपोजल बना रही हूँ कि कैसे हम इस इदारे को क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितना बोझ बर्दाश्त करेगी hmm. और जो अर्निंग इदारे हैं हम लोग कमा रहे हैं और हम कमा भी सकते हैं और मेरी पिछले टन और में हम लोगों ने पाकिस्तान से बाहर भी एक रेटेशन शुरू कर दी हमने हलाल में एक रेटेशन शुरू कर दी अच्छा हाँ जी और अभी तो इफ ऑल वेल इनशालावन्थ मे को हमने एक इंटरनेशनल हलाल कॉन्फ्रेंस भी रखी है उसमें बहुत से मुल्कों ने प्रॉमिस किया और टर्की ने तो कहा है हम बहुत बड़ा डेलीगेशन लाएंगे

एक्स वाई जी कंट्री ने पाकिस्तान का एक एक ऐसी चीज़ जो कि जनरली हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो खत्म हो गई उसमें एक्रेडिशन का रोल होता हंड्रेड परसेंट अच्छा हंड्रेड परसेंट जी हमारा यही है कि हम <coughs> देखें जी आपको मैं एक एग्जांपल दूँ अगर मैं ये ग्लास ख़रीदना चाहूँ दुकान में तो मैं उन्हें बोलूँगी मुझे ग्लास दे दो और मेरे जहन में है कि ग्लास जो कोर हो शीशे का हो सी थ्रू हो क्लियर हो उसमें ये ना हो वो ना हो अगर मैं चली जाऊं और वो मुझे इससे बहुत महंगा या बहुत सस्ता दिखाए बहुत सस्ता दिखा दे कि एक की कीमत में आपको दो में मैं कहूंगी नहीं मैंने तो वही लेना है जो मैंने लेना है हर बायर की एक रिक्वायरमेंट होती है हमने अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की कभी कभी पता है हमारी किन चीजों पर चीज रिजेक्ट हो जाती है उसकी पैकिंग पे क्या उसके पैकिंग में कोई पेस्ट तो नहीं जा रहा बहुत सी हमारी फ्रूट की पैकिंग जो थी ना उसमें फ्लाई चली जाती थी जिसकी बेस पे हमारा फ्रूट रिजेक्ट हो जाता था हमारी फिश पे क्या मसला था एक बड़ा इनोसेंट मासूम सा मसला था हम लोग वो करते थे एक्सपोर्ट मरीन प्रोडक्ट्स पाकिस्तान हम मींस पाकिस्तान राइट मरीन प्रोडक्ट्स श्रिम्स और ये सारी चीज़ें यूरोप को वहाँ पर जब उन्होंने टेस्ट किया तो उसमें पता चला कि उसमें तो हद से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं और पता चला कि ये एंटी जब हम लोगों ने यहाँ पर हमसे मालूम हुई हमें पता चला तो पता चला कि जब ये मछलियाँ पकड़ते हैं फिशरमैन तो एंटीबायोटिक को डाल देते हैं पूल में थोक के हिसाब से कि ये ख़राब ना हो अच्छा तो उस पानी में फिश होती है तो वो फिश के अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाता है राइट वो फिर सड़ता नहीं है जल्दी एक और चीज़ थी जब ये फिश पकड़ते थे और शिप में जाते थे तो उसके डब्बों में सुराख नहीं था उसमें बर्फ होती थी तो बर्फ़ जब पिघल रही होती थी तो पानी बन रहा होता था अगर उसमें सिर्फ वो एक दो तीन होल कर देते ड्रिल से लकड़ी के डब्बे या जो भी पानी निकल रहा होता था तो अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता right. अब इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बाद में पता चलती हैं कि ये तो कोई बात नहीं थी hmm. हमारी इस वजह से रिजेक्ट हो गई तो ये अब एकटेशन में ये है कि हमारी पीनेक की एक्रेडिटेड अगर कोई भी टेस्ट लेबॉट्री है कोई भी वो अगर आप इशू करेगी सर्टिफिकेट तो उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है अच्छा हाँ ये एक पाकिस्तान का ऐसा अदारा है जो कॉम्पिटेंस के बेस पे इसकी इक्वलेंस इंटरनेशनल किसी भी एकटेशन बॉडी की है दुनिया अमेरिका के बराबर हमारा सर्टिफिकेट है ऑस्ट्रेलिया अच्छा। के बराबर है ये बड़ी आ, नहीं करते कि का एक इतना सा नहीं मिलती ना दिया जाता है या कभी उसके बारे में बात ही नहीं होती छोटा सा इदारा है इसने क्या करना है जनरली तो यही है हालांकि हम है छोटे मगर हम काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं राइट ऑब्वियसली आपके कंडीशन के बेसिस के ऊपर पोटेंशियली ट्रेड हो रही है एक्जैक्टली exactly. और अभी इंक्रीज होगी जितना ये इंक्रीज होगा रिक्वायरमेंट में डाले जाएंगे अपनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अपनी बहुत सी इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर्स में डाल रही है बहुत सी चीज़ों में डाल डाल रहा है बहुत से टेक्सटाइल वाले जो है रेगुलेटरी बॉडीज बहुत सी और रेगुलेटरी बॉडीज़ अब ये डाल रहे हैं कि भई आपके पास एक रिटेशन होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे उससे ये होता है एक क्वालिटी बेहतर हो जाती है एक आपकी एक्सपोर्ट बेहतर हो जाती है और एक आपके मुल्क में जंक नहीं आता Hmm. जंक नहीं आता हमारे अपनी इंडस्ट्री ग्रो करेगी उससे राइट right. और दूसरा प्रॉब्ली यही मेरा दूसरा सवाल था कि फ्लो uh, वाइज आप लोगों का रोल किस तरह है सो so एक तो मैं ये फ्लो आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि जी पाकिस्तान किन्नू बाहर जा रहा है तो वो एक््रीडेशन लेकर बाहर जाएगा मैं ये कहता हूँ कि जी पाकिस्तान में एक बड़ा मेजर प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास हर चीज़ सब स्टैंडर्ड आती है क्योंकि ख़रीदार मिल जाते हैं प्राइस एज ए सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली हम प्राइस कॉन्शियस ज़्यादा हैं बिफोर वी आर क्वालिटी कॉन्शियस हम करते हैं जी हमें आ, दो चीजें मिल रही है, कि है ले लो घर में जाके देखी जाएगी कि काम की है जापान से आती हैं वो लोग ले रहे हैं वो टीन डब्बे हैं कुछ भी नहीं है वो एक बार एक्सीडेंट होगा तो क्रैश हो जाएगी पूरी गाड़ी बिल्कुल so उसमें क्या जो बाहर से आ रहा है उसका भी कोई रोल है आप लोगों के इदारे का बिल्कुल है जी अब ये इम्पोर्ट पॉलिसी ऑर्डर जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है एक उसके अपेंडिक्स हैं उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस के लिए अब हमने डलवा दिया है ये कि ये एक्रेडिटेशन उसकी चेक की जाएगी जब एक right. चीज़ एक्रेडिटेड होगा तो मतलब है कि वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा कर रहा है right. और उसके बेस पे फिर वो कम अज़ कम सब स्टैंडर्ड चीज़ें बिजली की तारें हो गई Hmm. ये स्विचेस हर मुल्क में एक किस्म का स्विच होता है सिवाय पाकिस्तान के आप किसी भी कंट्री में ट्रेवल करें तो आपको एक तरह का मिलेगा ये हर जगह वही होता right. है सिवाय पाकिस्तान के आपको एक घर में पांच किस्म के स्विचेस <laughs> मिलेंगे

म के उन्हीं की वजह से शॉर्ट सर्किट्स होते हैं उन्हीं की वजह से पोटेंशली जाने जा, जाती, जाती है, जाती है जी, लेकिन जाती हम कर रहे हैं मेडिकल अपलाइंस इतनी सारी आती हैं जो कि बस हम सब स्टैंडर्ड स्टैंड होती है दवाइयाँ होती हैं सब स्टैंडर्ड होती हैं हमारे फूड प्रोडक्ट्स में हराम कंटेमिनेशन इतनी ज़्यादा होती है इसको अगर हम देखें तो बंदा डर जाता है कि ये कितने मार्च मेलोज बच्चे खुले खुले खा रहे होते हैं ये रेड फूड कलर जो है अगर वो हलाल नहीं है लेबल्ड एज हलाल नहीं है तो देन इट इज़ फॉर श्योर दे और बहुत ज्यादा है और आपको पता ही ये रेड फूड कलर क्या है ये एक इंसेक्ट है उसके पेट का खून है जो मेक्सिको में कैक्टस पे ग्रो करता है अच्छा और ये उसका खून वो ड्राई करते हैं एंड देन दे मेक रेड कलर आउट ऑफ इट विच इज हराम अकॉर्डिंग टू आर उमा अब उसको आप क्योंकि खून हराम है अब इसके ऑल्टरनेट्स हैं पहले बहुत से लोग सिर्फ यही यूज करते थे बिकॉज इट वॉज ईजी एंड शॉर्टकट अब इन्होंने और ऐसे आ, करना शुरू कर दिए हैंट जिसकी वजह से आपको स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम हलाल भी मिल सकती है या right. हमारे लाल रंग के मज़ेदार शरबत जो होते हैं रमज़ान वाले अब वो भी हलाल हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने अब चेंज कर दिया फार्मूले राइट right. वो हाँ जी बल्कि लिखा जाता है अच्छा सो हलाल वाला बड़ा इंटरेस्टिंग रिसेंटली आई वाज रीडिंग अप ऑन हाउ इंडिया के अंदर जो उनकी मेन बॉडी है वो हलाल मीट को फर्दर आइडेंटिफाई या सर्टिफाई नहीं करेगी कुछ सम सम कोई न्यूज़ रिपोर्ट थी समथिंग लाइंस Um, so do you think there's a very clear opportunity for Pakistan now in terms of our exporters? can meat exactly, export to Middle Log East... and we to हम and You know, Pakistan is the first uh, country in the world to start halal accreditation. Before this, there were certifications. Malaysia was doing But proper halal accreditation, we were the first in the world. We have this बल्कि जो दुबई में इसका एक बॉडी um, है इंटरनेशनल हलाल एक फोरम वन आई वॉज़ वर्किंग इन दुबई आई वॉज द मास्टर माइंड बिहड अच्छा अच्छा अच्छा। <laughs> मैं और एक दो अरबी थे हम बैठ के ये सोचते थे कि हलाल के सर्टिफिकेट्स को कैसे दुनिया में एक्नोलेज कराया जाए तो इसके लिए हमने ये एक नाम सोचा और इस पर हमने फिर काम शुरू किया राइट right. और अब वो हलाल जो है वो जितना भी मतलब ओवरऑल दुबई के गुजर रहा है वो सारे सारे उसके नहीं दुनिया में कहीं से भी है चाहे अमेरिका से ब्राज़ील जा रहा है या अमेरिका से इंग्लैंड जा रहा है अगर हलाल है तो उनकी रिकग्निशन होनी चाहिए अच्छा और जो आपने कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया आने वाले दिनों में उस कॉन्फ्रेंस का अच्छा हाँ जी तो ये एक किस्म के बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ खोलेगा फॉर पीपल फॉर बिजनेस कम्युनिटी फॉर इंडस्ट्री फॉर हलाल सर्टिफिकेशन बॉडीज़ बोथ इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड के आप आए इसमें कंट्रीब्यूट करें अपने लिए स्टॉल्स लें uh, और हम तो बहुत ज़्यादा नॉमिनल बिकॉज वी आर अ गवर्नमेंट बॉडी वी आर नॉट वी आर आई मीन एट द स्टेज वी आर नॉट अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ इट सिर्फ कॉस्ट वो उसकी पूरी कर रहे हैं तो ये भी हो जाए तो इनशाला इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने फॉल गोज़ वेल प्रामिस किए हैं कमिटमेंट्स किए हैं कि वो आएंगे ईस्ट right. से भी वेस्ट से भी राइट right. और भी. ये बेसिकली ट्रेड शो ऑफ शॉर्ट्स है हलाल, ये हलाल ट्रेड भी होगा मैनुफेक्चरर्स अपने हलाल प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करेंगे राइट right. और मीडिया uh, uh, आके उसको कवर करेगा और uh, अखबारों में आएगा टीवी पे आएगा एंड स्पीकर्स विल बी टॉकिंग ऑन हलाल इश्यूज एंड हलाल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हलाल स्टैंडर्ड्स पे डिस्कशन होंगी ये सारी चीजें डिस्कस होंगी इट विल बी अ वेरी गुड सेशन राइट मेक्स लॉट ऑफ सेंस मैं अक्रिडिशियन से थोड़ा सा साइड पे करूँगा यू नो एज एज एन इंडिविजुअल जनरली आपकी व्हाट डू यू डू बियॉन्ड जॉब के मैंने ये देखा कि आप प्रोफेशनली तो यू नो यू आर वेरी फोकस्ड एंड फॉर द पास्ट 20 25 इयर्स आपने एक बड़ा पाथ अपना निकाला है Uh, but beyond that uh, you know I, I I know that you love trekking I know that you love the environment as well he <laughs> <laughs> <I love laughs> <love laughs> uh, so what's your like how do you feel about that I have some profession they'll say yeah I'm not doing it for the sake of tanha right I'm doing it because I love doing this work I could do many other things but mm. I'm doing it for Pakistan and because this is what I'm made for

काफ़ी uh, मुझे जर्मन शेपर्ड्स का तो मतलब hmm. दिल से मुझे बहुत प्यारे हैं uh, इसके अलावा ट्रैवलिंग मैंने बहुत की है ट्रैकिंग mm -hmm. में uh, करती थी काफ़ी ज़्यादा आजकल तो खैर टाइम नहीं मिल रहा मगर आई वुड वांट टू डू इट अगेन कम अज़ कम में शायद मैंने सारे पहाड़ देखे हैं uh, नथिया गली के भी मैंने मीरा जानी मजपूरी वग़ैरह देखे हैं आई बीन टू दीज प्लेसेस कुछ चीज़ें मेरी थिंग्स टू डू लिस्ट में हैं जैसे एंटार्टिका में मैंने अपने आप को बुक किया था आई कॉन को आई स्टिल हैव दैट थिंग इन माइंड अच्छा दिल में है कि मैं नहीं जा सकी एंड एट सम पॉइंट एंड टाइम आई विल गो देर हाँ वहाँ वेन आई स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया हमारा एक रिसर्च प्रोजेक्ट होता था और हमारे यूनिवर्सिटी का अपना एक शिप uh, था अरोरा नाम था उसका वो जाता था स्टूडेंट्स को लेके कि भाई वो पेंगुन को टैग लगाना और वो साइंटिस्ट जाते थे तो हम तो वो छोटे मोटे टैग लगाने वाले लोगों में से होने थे मगर उस साल वेदर फॉरकास्ट बहुत खतरनाक था और उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि शिप तीन महीने तक स्टक रहे अच्छा और मेरा वीज़ा हो रहा था एक्सपायर बिकॉज माई स्टडीज वर कमिंग टू एंड तो स्टूडेंट वीज़ा था तो मैंने कहा ऑल ऑफ अ मैं फ्रॉम लीगल स्टूडेंट लीगल इमिग्रेंट ना बन जाऊं कहीं वापस भी ना आ सकूं जहाज पे स्टॉक हो जाऊं, ये मेरे दिल में एक है कि मैंने नहीं किया एक मेरा नॉर्थ पोल में अरोरा देखने को बड़ा दिल करता है कि वो जो होते हैं ना लाइट्स, राइट वो भी मैंने प्लान बनाया था मगर वो भी मुझसे नहीं हुआ मगर इट कि नहीं होगा नहीं हुआ रहे हैं Uh, क्योंकि मेरा मैं आपको ना दो चीज़ें पर्टिकुलरली मैंने पाकिस्तान में नोटिस की हैं uh, एक दोनों जेंडर्स के लिए हैं लड़के या लड़कियाँ और एक पर्टिकुलरली खातियों के लिए बट अगर मैं पहली वाली की बात करूँ हमारे पाकिस्तानियों का ना एक थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट है कि उन्होंने ऑलरेडी मान लिया हुआ है कि हमारी काबिलियत भी नहीं है हम कुछ कर भी नहीं सकते मैक्सिमम मैक्मम कुछ छोटा सा तबका है जो ये सोचता है कि हम कर सकते हैं लेकिन अगर हम बाहर चले गए पाकिस्तान में रह के तो वैसे ही नहीं कर सकते Uh, और और बाकी लोगों का तो ये है कि सर इट्स वेरी डिफीटेस्ट मैंटेलिटी इट्स वेरी होपलेस मैंटेलिटी उनका वो ख्वाब देखना ही नहीं चाहते हाउ आर यू एबल टू लाइक आप मैं मैं इस तरह देखता हूँ आप एपटाबाद में एक लड़की बर्न हॉल में पढ़ रही है उसकी तो आखिरी सोच भी नहीं होगी कि वो यू नो यू और यू और कहाँ कहाँ पर मेरा मैं और मेरे भाई में मेरे और मेरे भाई में एक साल का फ़र्क है जी और uh, मेरा भाई uh, मुझसे एक साल छोटा था और मेरे ख्वाब पता नहीं मुझे आपने बोला ना ख़्वाब में भी नहीं था तो मेरे ख्वाब हमेशा से सिंस माई चाइल्ड हुड टिल आई रिमेंबर आई मीन जितनी मेरी यादाश्त जाती है आई हैड ड्रीम्स मैं हमेशा कहती हूँ जागते हुए ड्रीम्स सोने वाले नहीं हुँ. मैं जागते हुए बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखती थी अपने आप को कोई बहुत ही आलीशान चीज़ देखती थी कि पता नहीं मैं कौन सी जगह में फिर रही हूँ मैं ये जो चीज़ बंदा किताबों में पढ़ता है ना वो आई यूज़ टू इन विजिट माई सेल्फ एंड थिंक कि मैं उधर फिर रही हूँ और अगर मैं बात करती थी अपने भाई से वो मुझे कहता था तुम्हें कौन छोड़ेगा हम पठान लोगे तुम अकेले किधर अमेरिका जाओगी तुम मैं अकेले कहीं अफ्रीका में जंगलों में कैसे जाओगी एंड दे टाइम दैट आई वेंट एंड आई एम स्टिल गोइंग तो ये होता है यू नो आपको ख्वाब देखने हम डिफीट हम तो दुनिया के इंटेलिजेंट तरीम टॉप दो तीन कौमों में से एक हैं आर वेरी फॉर्चुनेट हमारी ये यंग जनरेशन इनको मैं कहती हूँ आप नौकरियों पे क्या करते हैं आप अपने अपने लिए खुद से रस्ते ठीक है दो तीन साल कहीं पर वॉलंटियर करें काम करें सीखें एंड देन डू योर ओन वर्क आप जितना कर सकते हैं ना जो पोटेंशियल है जितना मैंने पाकिस्तानियों को देखा है पाकिस्तान से बाहर काम करते हुए आई विश कि वो इतना यहाँ भी करें mm. और बहुत ज़्यादा एक्सेल करेंगे हर चीज़ में सिर्फ आपने ये करना है कि ये चैलेंज ले के बढ़ें और सोएं और जागें और खाना खाएं कि हमने कामयाब होना है हमने आगे जाना है हम hmm. कर सकते हैं इफ़ यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि हम कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं hmm. अगर आपने पहले से कह दिया कि नहीं कर सकते वो कहते हैं ना क्या है इम्पॉसिबल इज़ एक्चुअली आई एम पॉसिबल वो इम्पॉसिबल तो कोई चीज़ ही नहीं है जो चीज़ मैंने आपको शुरू में ही बताया दिमाग में आती है वो पॉसिबल है hmm. सिर्फ आपने सोचना है कि यहाँ से वहाँ तक कैसे चांद पे कैसे जाया जाएगा और चले जाते हैं लोग तो ये आ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है हर कोई कर सकता है हर काम कर सकता है सिर्फ उसने हार नहीं माननी और उसने मेहनत करनी है सिर्फ खाबों से भी नहीं होता मेहनत करनी होती है आपको पढ़ना होता है आपको स्किल्स सीखने हैं आपको अपने आप को ऐसा बनाना है कि लोग आपके साथ बात करते हुए कंफर्टेबल हों यानी कि आप कमरे में बंद हो के बैठ और बस कुछ स्किल आपकी बहुत अच्छी है कम्युनिकेशन है नहीं बिल्कुल भी तो फिर आप क्या ही कर सकते नहीं कर सकते अगर आपकी नहीं है बिल्कुल कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप इट बात करें और कुछ नहीं है तो शीशे में तकरीरें करें बट सीखें और बोलें मेरे साथ तो ऑफिस में जो ये यंग बॉयज़ आते हैं मैं उनको ज़बरदस्ती तो प्रजेंटेशन करवाती हूँ ताकि ये सीखें हम लोगों ने तो बहुत कुछ सीखी है शुक्र है बड़ों ने हमें मौका दिया है नाउ इट इज़ देयर टाइम टू लर्न दीज थिंग्स एंड सब मैं तो बहुत इंक्रेज करती हूँ यंगस्टर्स को दे आर हैविंग अ लॉड ऑफ पोटेंशियल तो ये नहीं कि नहीं हो सकता हर चीज़ होती है नौकरी या सरकारी नौकरी इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड आपके पास उससे बहुत बेहतर बहुत मौके मिलते हैं जो चीज़ नहीं होता ना इसका मतलब है कि आपको इससे बेहतर चीज़ मिलने वाली है ये याद रखें hmm. मैंने ये देखा जो चीज़ नहीं होता उससे बेहतर मिलती है वो आपके लिए बेहतर नहीं होती अच्छा ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट uh, <coughs> हमारे यहाँ मेटेटी uh, है सरकारी नौकरी वाली आपने बोला ना मैं हाँ कल आई वॉज टेकिंग करीम बैक होम तो जो ड्राइवर मेरे साथ ही यंग किड यू नो फर्स्ट सेमेस्टर इस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट किया हुआ है और वेरी वेरी चैटरी तो वो खुद से मुझसे मुझसे सवाल ही जा रहा था फिर मैंने भी काउंटर सवाल किए uh, तो कैप्टन सिंगो वो अच्छा गवर्नमेंट इज दिस गवर्नमेंट इज़ दैट मैंने कहा कि चले आई अंडरस्टैंड टफ टाइम्स हैं आजकल उस तरह से है तो वट डू यू डू मैं आई टी बी एस आई टी कर रहा हूँ और यू नो यूनोर्चा मैंने कहा कि तो जॉब वगैरह कोई करके जो मुझे जॉब वगैरह मैं ढूंढ रहा हूँ कोई गवर्नमेंट के किसी तरह ना जॉब लग जाए मैंने कहा यूर डूंगी एस आई टी राइट नाउ आई मीन आई आई मीन हैव अ हॉरेबल टाइम इन द गवर्नमेंट यू आर डूइंग द राइट डिग्री आई मीन मच बेटर ऑफ देन देनोर एनी सरकारी वो, हाँ. सरकारी वो. <laughs> नहीं सर वो बस जो है ना आराम से नौकरी लग जाए तो फिर गारंटी भी होगी पैसे भी मिलते रहेंगे ये भी हो मैंटेलिटी ही है के काम नहीं करना बस एक वजीफा लग जाए आपने नहीं टाइम ही नहीं मिलता थोड़ी देर पहले उससे बात हो रही थी तो कह रहा था हाँ फारे बैठे रहे हैं कोई काम नहीं है जब मैंने जैसी जैसी मैंने बोला जी, फ्री जी, जी, का जी। नहीं टाइम नहीं मिलता मैंने कहा आप कुछ सोच रहे हैं क्या कर रहे हैं बस किसी तरह बाहर का हो जाए कोई वीजा शीजा लगा दे तो मैं बाहर दुबई निकल जाऊँ कुछ नहीं पता दुबई में क्या करना है अच्छा पता है बहुत लोगों का बुरा हाल होता है मैंने देखा है ना कि मैं तो वहाँ रही हूँ मैंने ये मज़दूर टाइप लोगों को देखा है और जब पाकिस्तानी होते हैं तो यू ऑलवेज़ हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर मैं ज़रा जाके के एक बात भी कर लेती थी पूछ लेती थी क्योंकि मेरा काम पूरी यू में फिरना होता था right. आई टू तो असैर ऑर्गनाइजेशन्स तो मैं आ, देखती थी लोग बहुत बुरे कंडीशनस में बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशन में लोगों को सौ बार सोचना चाहिए बिफोर दे कैन इवन थिंक ऑफ गोइंग अब्रॉड अगर उनके पास प्रॉपर जॉब नहीं है तो प्लीज 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 डोंट थिंक ऑफ गोइंग टू यूरोप और दुबई hmm. यूरोप वाले तो वापस ही नहीं आते बेचारे hmm. वो तो डूब जाते हैं या डबो डुब, दिया जाता है hmm. और दुबई वाले तो मॉडर्न डे स्लेवरी है बड़ी अजीब कहानियां सुनिए कमरे में पड़ा हुआ है ये तो कम है जी आठ नौ तो कुछ नहीं है मैंने ऐसी पिक्चर्स देखी थी कि मैं घबरा गई थी कि आपके पास सोने की जगह नहीं होती है छः घंटे के लिए लोगों को शिफ्ट पे मेट्रस मिलता है वो बंक बेड्स होती हैं और इवन वॉशरूम में जो है ना टब उसमें मैंने सोते हुए बंदों को देखा है अब इस तरह का हालात होती है सड़क पे दोपहर को फिफ्टी डिग्रीज में मैंने मजदूरों को लेटे देखा है कि वो कंस्ट्रक्शन हो रही है उधर कंपल्सरी एक घंटा या दो घंटे की रेस्ट है अब उनके पास शेड नहीं है वो पुल के नीचे ऊपर ओवर ब्रिज बन रहा है नीचे सोए हुए ज़मीन पे हम गुजर रहे होते थे मतलब ये हाल है नहीं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है मैं अगेन ट्विटर पे देख रहा था तो एक हफ्ता पहले किसी ने कमेंट किया था कि जी बाहर के पाकिस्तानी जो हैं ये दुबई में बैठ कर रहे हैं पाकिस्तान के बारे में और मुझे फैसिनेशन यही हो रही थी कि ये वो लोग हैं जो कि अपने अपना सोल सेल करके लिटरली पैसा भेजते हैं अपनी फैमिली के लिए बीस exactly. बाईस अरब डॉलर जो है इनके भेजे हुए से पाकिस्तान फ्लोट कर रहा है असेंशियल अभी हमारी एक्सपोर्ट्स उतनी तो नहीं हुई टली um, or, or क्योंकि क्यों, क्यों, तो पैसे ले रही हैं वो कहती हैं जी बाहर ही रुको पैसे बेचते जाओ इस तरह बहुत हुआ है एक ड्राइवर रो पड़ा बुरा आदमी मुझे मेरे कॉलीग ने बताया कि मैंने उससे पूछा पाकिस्तानी था तो तुम बिकॉज यू और पास्तानी आई जस्ट चैटर्ड विद हेम एक अरबी ने मुझे बताया कहते मैंने पूछा कि बाबा तुम तो इतने बूढ़े हो अब क्या करते हो गाँव जाओ अपना काम फैमिली के, कहते वो रो पड़ा कि मैं हर बार जाता हूँ कि मैं वापस नहीं हूँगा मगर वो मेरे बच्चे और पोते और पोतियाँ कहते हैं कि हम क्या करेंगे आप उधर ही रहो हमारे लिए पैसे कमाओ दिस इज हाउ पीपल ट्रीट दम वो बेचारे तो बहुत मेहनत कर रहे हैं mm -hmm. अगर यहाँ उसकी वैल्यू नहीं यहाँ तो बीविया जी जेवर पे जेवर बना रही हैं मोबाइलें फिर रहे हैं लैपटॉप ले लिया इस तरह की चीज़ों में उसकी हार्ड मनी को वो लोग उड़ा रहे हैं बजाय इसके एक बिजनेस बनाओ वो भी आए और आप भी बैठो और करो

Um, have you ever thought about for for you was it like oh you know I'm a woman I'm going to go out there and I'm going to show the world that I'm or were you just like hey listen i'm I'm me and I'm gonna do what I can actually I never thought I was a woman <laughs> 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 I never thought I was just like any one of them you know yeah. <laughs> ग्रूमिंग मेरी शायद ऐसी थी कि आई ऑलवेज हैड लाइक ऑल दीज बॉयज जो मेरे भाई के दोस्त थे वो मेरे दोस्त थे आई हार्डली प्लेड विद डॉल्स आई वॉज जब मैं तब गुड़ियों से खेलती थी जब मेरा भाई भी खेलता था अच्छा तो हम दोनों फिर मिल के अदरवाइज मेरी तो वो साइकिलिंग थी और फुटबॉल और क्रिकेट और ये चीजें होती थी सो so मैंने कभी अपने आप को वो बहुत ज्यादा इस तरह नहीं पाया कि मैंने कोई बड़ी स्ट्रगल की हो Hmm. हाँ बस मेहनत की है मौका मिले माँ बाप ने दुआई है उन्होंने गाइड किया ऑल दिस थिंग दिस थिंग्स एग्जिस्टेड मगर मैंने कोई ये नहीं किया कि मैंने कोई स्ट्रगल करके कोई बहुत मुश्किल से निकली हूँ पेरेंट्स ने बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी कभी मुझे बाहर जाने से नहीं रोका अगर मुझे ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप पर ना छोड़ दे अगर मुझे इंग्लैंड जॉब में ना छोड़ दे अगर मुझे बाकी ये जो पचास मुल्कों में मैं, मैं सैर और काम के लिए और पढ़ने के लिए और ट्रेनिंग्स के लिए गया अगर यहाँ ना छोड़ते तो मैं आज ये ना होती

मैंने उससे पूछा मेरा अपना बैकग्राउंड भी कंप्यूटर साइंस का तो आई हैव अ फेयरली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ के इंडस्ट्री का क्या सीन है अच्छा उसने कहा कि जी मुझे बताएं मैं फ्री किस तरह कर सकूँ क्योंकि फ्री मुझे नहीं हो रही है फ्री लांसिंग जनरली जो है ना इट्स नॉट अ वेरी हाई वैल्यू इट्स नॉट द टॉप टॉप शेल्फ वर्क टॉप शेल्फ जाहिर है कि अगर आप ग्राफिक डिज़ाइन या इस तरह की कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो एक ठीक है पाकिस्तानी रेफरेंस के हिसाब से आपको 300 400 डॉलर तो दे रही है हज़ार डॉलर भी दे रही है बट अगर वही चीज़ आप किसी ऐसे यू नो कटिंग एज इदारे में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप न्यूरल नेटवर्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका इसे काम इसे कर रहे हैं ही तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट वो है तो मैंने उनसे पूछा मैंने कहा कि यू नो वाई आर यू और मैं उन्होंने बोला कि मैं फ्री लांसिंग भी करना चाह रही हूँ मैं यू नियो तो रिपोर्ट राइटिंग इस तरह की कोई करना चाह रही हूँ तो मैंने कहा आपका मुझे बताया आपने ग्रेजुएट कहाँ से किया जी वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान अच्छा आपने सी जी पी था टॉप का सी जी ठीक है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या था कटिंग एज फाइनल ईयर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट अच्छा आपने कहीं अप्लाई किया था नौकरियों के लिए mm. जी मैंने अप्लाई किया था मैंने कहाँ का क्या था जी आई बी एम टेरा डेटा सिस्टम ये आपको मैं बता रहा हूँ टॉप टीयर लाइक सिस्टम्स लिमिटेड और ये जो दूसरी है दे एर लिस्टेड इन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज दीज आर ह्यूज कंपनीज उधर उस लड़की का हो गया अच्छा

मैं जब खैर वो तो ट्रस्ट से ताल्लुक नहीं था वो तो रिलीजन से ताल्लुक है मैं ऑस्ट्रेलिया में थी जब रमज़ान था तो मैं रोज़े रख रही थी तो मेरा प्रोफेसर था वो मुझे कहता है कि इस मत आई एम वार्ट फॉर योर किडनीज रोजे मत रखो ये नौ बजे साढ़े नौ बजे अजान होती है वो मैंने उसको बताया था किस तरह क्या तो ये तुम्हारे किडनी सूख जाएंगी कोई नहीं देख रहा बड़ी और बाई चांस कोई था भी नहीं पाकिस्तानी कोई नहीं देख रहा बस पी लो पानी मेरे ऑफिस आके पी लिया करो किसी को पता नहीं चलेगा और कुछ मत करो मैंने कहा नो इट्स इट्स दैट आई तो मैं तो ठीक हूँ फिजिकली है फिट हूँ इस तरह की चीज़ें फिर एक किसी ने पूछा है कि यू नो जैसे ये अल्कोहल होता है एक उस दिन मैं अपने ऑफिस में बता रही थी एक बड़े बुजुर्ग किस्म के जैसे होते हैं रिलीजस लोग उनमें से किसी ने बोला कि देखें अलहमदिल्ला हमने तो कभी ये काम नहीं किया इस तरह मैंने कहा ये बड़ी सही बात है मगर आप इमेजिन करें उस बंदे को या उस बंदी को जो एक अपने मुल्क से कोई दस बीस हज़ार किलोमीटर दूर है अकेले है कोई नहीं है और फ्री में मिल रही है जहाज़ में तो बेतहाशा मिल रही है और वो बंदा ना पिए ये आपका कंट्रोल है ये आपका पेरेंट्स का ट्रस्ट है ये आपकी पेरेंट्स की ट्रेनिंग है यह हमें बताया जाता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है आपने नहीं करनी हम फिर नहीं करते चाहे कहाँ भी हो envelope, मैं अकेले रहती थी मैं अकेले ट्रैवल करती थी मगर मुझे पता था कि मैंने कहा था मैंने फ़िशिंग करनी है मैंने कैंपिंग करनी है मैंने वॉक करना है ये मैंने बहुत करने मगर मैंने क्या नहीं करना मैंने गलत काम नहीं करना मैंने कोई एंटी इस्लामिक काम नहीं करना जो मेरे रिलीजन ने मुझे मना किया तो बस मैंने नहीं करना चाहे मैं कैम्ब्रिज में थी चाहे मैं थोड़ा सा कैम्ब्रिज से भी मैंने पढ़ा हुआ है चाहे मैं ऑस्ट्रेलिया में थी जहाँ भी थी बस ये जो नहीं करना वो नहीं करना और जो अलाउड है वो करना है और उसमें मैं आके सारी कहानियाँ पूरे घर में सुनाती थी हमने ये किया हमने वो किया तो यू you नो know, uh, वो ट्रस्ट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ज्यादा जब तक ट्रस्ट नहीं करेंगे आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे और इस इतनी बड़ी एज पर जब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो यू जस्ट डिस्ट्रॉइंग दमेंशली बच्चे होते हैं जी वेट सोप की तरह यू हैव टू होल्ड एम वेरी केयरफुली ज़्यादा दबाएंगे तो भी स्लिप करेगा लूज छोड़ेंगे तो भी गिर जाएगा आपने उसको तरीके से कंट्रोल करना है कंट्रोल नहीं करना तरीके से गाइड करना है कि वो समझें कि ये मेरे लिए ठीक है उसका फ़ायदा ये है अगर मैं ये करूँ और उसका नुकसान ये है और ये हमें करना है इससे फ़ायदा है ये हमें नहीं करना फिर बंदा खुद भी सोच रहा होता है बच्चे भी कोई स्टूपेट बच्चे नहीं है बड़े समझदार होते हैं मैं खुद अपने आप को देखती हूँ कि मैं बहुत यंग एज से अकेले ट्रैवल मैंने शुरू किया है ट्वेंटीज़ में मैंने कई मुल्क देख चुकी थी तो और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आई was on my own, but I knew my limits and I knew what to do and how to take care of myself, uh, traveled around the world all alone, issues. Nahin. I think this conversation bhi hoti hai, ki is very important, that instead of shutting down things, ye, ye, yes and yeah no, you rather sort of have that conversation, okay what exactly, why are drugs bad? Exactly. Make people understand, that I have a of my friends जिनके पेरेंट्स ने ना बस ये नो किया हुआ था हाँ ये, करना, है, ये नहीं करना ये नहीं करना अब जब वो आ, आ, अकेले हुए तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं करना फिर दोस्तों ने वर्गला दिया कि यार ये ट्राई तो कर लो चलो ट्राई कर लिया आ, तो यार ठीक है नहीं करना लेकिन इससे तो मज़ा आ रहा है ऑल्टरनेटिवली ऐसे लड़के थे जिनके पेरेंट्स ने बड़ी ओपन कॉन्वर्जेशन थे उनके घरों में

पेरेंट्स का बच्चों के साथ डेली बेस पे बात करना उनसे पूछना व्हाट हैपन्ड इन योर स्कूल टुडे कॉलेज में कैसा रहा अगर वो बच्चे सारा टाइम मोबाइल पे देख रहे हैं और लैपटॉप में दे आई एम नॉट अगेंस्ट देम मैं खुद सारा टाइम लगी होती हुई काम कर रही होती हूँ बट यू नो देर हैज़ टू बी अ टाइम वेयर यू आर नॉट लुकिंग एट एन आर्टिफिशल स्क्रीन वेर यू आर लुकिंग एट रियल लाइफ थिंग्स आपको मैं देख रही हूँ इस पर्दे को देख रही हूँ दीवार को देख रही हूँ बाहर दरख्तों को देख रही हूँ mm. ये भी ज़रूरी है सिर्फ आप या अपने कुत्ते के साथ खेल रही हूँ Now, it's not necessary that all the time a person just Pinterest or Instagram or so and so, what all I don't know. <laughs> <laughs> right, makes sense. Uh, we were at the 50 minute mark, so I'm going to, this is probably going to be my last question, but you've been to, I mean, you've worked in, uh, you've studied in the in Australia, so you spent a lot of time there, then the UK, then UAE and then Pakistan now. And most recently, in the last 2-1 years, you have finally, फुल टाइम वापस आए सवाल दो दो टीयर हैं सवाल के पहला टीयर ये है कि हमारे यहाँ हे हम बार बार कहते हैं कि साठ फ़ीसद आबादी जो है वो तीस साल से कम उम्र लोगों की है आपने एक बेसिक सी तो मुझे बात बताई कि यू नो नौजवान जो है बड़ा टैलेंटेड है नौजवान बड़ा कुछ कर सकता है अच्छा ये बातें सारी हम करते भी रहे हैं आई वॉन्ट टूट मोर नूस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि आपके ख्याल में नौजवान कैसा है और नौजवान फ्यूचर में कैसा होगा किस तरफ़ जा रहा है और ये और दूसरा सवाल ये कि मुल्क जो हमारा इस वक्त खड़ा हुआ है जिस तरह से चाहे उसके पॉलिटिकल, सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से उसके हिसाब से आप पाकिस्तान को अगले दस साल में कैसा देख रही हैं देखिए जी अल्लाह ताला की जो सेलेक्टेड कौमें होती हैं ना वो हमेशा टेस्ट के थ्रू गुजरती है कोई ना कोई बड़े आजमाइशें उस पर आती हैं जिस किस्म की भी हो मैं बिलीव करती हूँ कि पाकिस्तानीज भी एक सेलेक्टेड कौम है अल्लाह के लिए अल्लाह ने इसको निकालना है इस गन से इस करप्शन से इस गलत कामों से ये जो हमारे इर्द गिर्द हम सुन रहे हैं सच है झूठ है अल्लाह जानता है मगर इससे हम इन श्ला निकलेंगे दूसरी चीज़ ये है कि देखें मैं तो ये यंगस्टर्स को ये बोलती हूँ कि आपको आसानी से कुछ भी नहीं मिलता जब आप सोना निकालते हैं ना तो पहले आप उसको स्मेल्टर में डाल के आग में जलाते हैं फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब बहुत हाई टेम्परेचर पे जाता है ना तो वो उसमें से निकलना पत्थर से वो निकलता है इसी तरह इंसान को भी अपने आप को अगर सोने की तरह कीमती बनाना है ना तो उसने फिर अपने आप को उतनी ही उसी तरह भट्टी मेहनत की भट्टी में डाल के मेहनत करना है अगर आप ये समझते हैं कि बगैर मेहनत के क्योंकि मेरा चचा फलाना है और मेरा पोपा ये है और मेरी खाला ये है हो जाएगा एटलीस्ट भी कुछ मेहनत करके ही पहुंचे ना पर पहुंचे और अगर मेरे पास दफ्तर में आपको मैं बताऊं जी आई एम द ओनली मैं मशहूर हो गई हूँ नॉट द ओनली कि ये सिफारिश नहीं मानती मेरे पास किसी की भी कोई सिफारिश ले ना पहले मैंने माना है ना अभी क्योंकि अगर एक hmm. बंदा इतना कॉम्पिटेंट ही नहीं है कि उसको किसी को कहलवाने की जरूरत पड़ रही है तो मतलब है कि वो इस जॉब के लिए सूटेबल नहीं है वाई शुड आई टेक समबडी एल्स इज राइट एंड गिव इट टू द पर्सन वो इज़ नॉट मेंट फॉर इट तो आप लोगों ने जो भी बच्चे हैं मैं तो ये कहती हूँ आप लोग मेहनत करें मेहनत के अलावा तो कोई दूसरा रास्ता mm. नहीं है और मेहनत ये ज़रूरी नहीं है कि आप दिन रात किताबें पढ़ें जिस फील्ड में कारपेंटर है वो अपनी स्किल बनाए कंप्यूटर का बंदा है वो अपनी स्किल बनाएँ इसको नौकरी की तरह नाइन टू तो फाइव मैं तो नौकरी को भी नाइन टू तो फाइव नहीं समझती नौकरी भी आपकी चौबीस घंटे की होती है अगर आपको एक्सेल करना है आपने उसमें अपनी चीजें डाली और ये नहीं कि आपने प्रसाद कुछ नहीं करना आपने अपने आप को रिक्रिएशन अपनी एक्टिविटीज भी करनी है जो आपकी क्रिकेट खेलें वॉक करें रनिंग करें जो भी करना है मगर आपको मेहनत के बगैर तो कभी कुछ नहीं मिलेगा और आपको गाइडेंस चाहिए आजकल तो बहुत से लोग हर एक को दे रहे होते हैं मेरे पास तो जितने भी बच्चे आते हैं ये स्टूडेंट्स मैं उनको गाइड करती रहती हूँ आप ये करें वो करें ये कर सकते हैं आज सुबह भी अभी सुबह नहीं दोपहर को दुबई से एक कॉल आई मेरी एक जाने वाली है तो उसने खैर मुझसे और बातें की फिर उसने बोला कि मैं यहाँ पर एक कंपनी खोलना चाहती हूँ तो कैन यू गाइड मी तो मैंने कहा क्यों नहीं कम और मैं पाकिस्तानी है जो वहाँ रहती है वो वापस आना चाहती है राइट right. तो मैं तो इस तरह के सारे लोग मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी बड़े खुले दिल के लोग हैं एक दूसरे को गाइड करते हैं बल्कि यहाँ तो बगैर मशवरे के भी लोग गाइड करते हैं तो यह है कि अपना बस मोराल हमेशा और नउ्मीदी ना करें क्योंकि नउ्मीदी जो कहते हैं ना कुफर है मैं नहीं समझती थी कि इसका क्या मतलब है पहले मैं नहीं समझती थी फिर मैंने सोचा क्योंकि नउ्मीदी तब होती है जब हम समझते हैं कि अल्लाह नहीं है अब मेरे पास कोई डेड एंड है और अल्लाह नहीं है जो मुझे यहाँ से निकाले तो जब अल्लाह नहीं है तो फिर वो कुफर है इसलिए जब हम कहते हैं कि नहीं आगे दीवार है मगर अल्लाह है वो मेरे लिए रस्ते निकालेगा तो आपके लिए रास्ता निकल आएगा चाहे आपको वापस आना पड़े चाहे आपको खिड़की से कूदना पड़े या दरवाजे से निकलना पड़े यू विल फाइंड योर वे आउट तो नाउमीदी कभी नहीं करनी चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता ये सारी बातें हैं ये नहीं इस तरह नहीं होता हम भी बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया कहीं पर कोई सिफारिश नहीं थी कोई पुश नहीं था मगर सिर्फ ये था कि घर से इनक्रेजमेंट थी और रुकावट नहीं थी कि आ, ये करना है ये नहीं करना मेरे अब्बू मुझे कहते थे बेटा तुम खुद जानती हो तुम्हारी फील्ड मैं तो सिविल इंजीनियर हूँ मुझे इन बातों का नहीं पता जो तुम्हारी बातें हैं वो सारी मुख्तलिफ हैं मेरी फील्ड से सो डू वट एवर यू डू बट डू इट ऑनेस्टली एंड डू इट विद ग्रेट हार्ड वर्क ताकि वेन यू कम्पीट पीपल यू आर सेकेंड टू नन एंड आई हैव कम टू दैट स्टेज के इस फील्ड में आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी टू बी एट दिस स्टेज बहुत अच्छी थैंक यू सो मच फॉरल वर्ड आई थिंक एक्सलेंट वे टू एंड दिस मैम थैंक यू सो मच मैं बहुत इंसाइटफुल थी ये कॉन्वर्जेस एंड आई एम आईस्टली ऑनर्ड to 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 be able to hear this in person thank um, you thank you so much thank you Jay. It's, uh, yeah. thank you for giving me the opportunity <laughs> of sharing my

pakistan may be available hai. you can check that out links are in the description below anyways this was a second thank you so much for watching you were watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one